नागपुर शहर के प्रसिद्ध श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर की स्थापना के इस वर्ष 4 मार्च को 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर में 21,000 दीप जलाए गए। श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर का शताब्दी वर्ष 4 मार्च को मनाया जाएगा। मंदिर के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को पूर्ण मंदिर परिसर की बिजली बंद कर भगवान श्री राम के दर्शन दीपों की रोशनी में श्रद्धालुओं ने किए। मंदिर परिसर को 35,000 दीपों की रोशनी से विभिन्न आकृतियों से सुसज्जित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचे। जय जय श्री राम। श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर, आज मंदिर को पूर्ण 100 वर्ष हो रहे हैं। सन 1923 मार्च में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई थी। उस हिसाब से 2023 मार्च 4 मार्च को मंदिर के पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं। उसी उपलक्ष में आज 1 मार्च को मंदिर के अंदर दीप दर्शन का उत्सव रखा गया है। आज ठाकुर जी के जो दर्शन होंगे वो दीप प्रज्वलित करके पूरे मंदिर परिसर में 21,000 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और उस दीप में ही ठाकुर जी के हम दर्शन करेंगे। टोटल इस मंदिर के अंदर आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर 21,000 दियों को यहां पर तैयार किए हैं, आकृति के साथ तैयार किए हैं और 21,000 दिए यहां भी प्रज्वलित किए जाएंगे। जो आप जैसे जैसे अंधेरा होते जाएगा वैसे वैसे दीपों की रोशनी बढ़ेगी और उसके अंदर ठाकुर जी का दर्शन नयनाभिन दर्शन होंगे और इस पूरे परिसर के अंदर ये जगमगाते दीप अपने आकृति के साथ एक अस्मरणीय दृश्य पैदा करेंगे। कहीं श्री राम जय राम जय जय राम है, कहीं तिरुपति के संख के निशान यहाँ पर आपको प्रदर्शित होते हुए दिखेंगे, धनुष बाण प्रदर्शित होते हुए दिखेंगे। बहुत ही सुंदर में दृश्य नागपुर में पहली बार ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आइए सब इस दर्शन का आप लाभ लीजिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।